Last time we talked about playing the demons. Today we are continuing with the salt. And now we go to Makkah and Medina and continue the journey from there. In other words, we are going on a Hajj trip. And let us look at the salience of the Hajj trip and what all we are going to come across. There are three shaitans there. Ek bada shaitan hai, ek darmiyani shaitan hai, ek chota shaitan hai. To phir un shaitanon ke saath bhi nabard azma hone. Achha ji, ek Hajj experience hai. Quran Pak mein diya gaya Surah Ali Imran verse 96. Lo, the first sanctuary appointed for mankind was that at Bekkah. Makkah, a blessed place, a guidance to the people. Surah Al-Imran. Hajj literally means the intention or resolve to migrate towards Allah. Yani Allah ki taraf hijrat karne se. Aur hijrat ke lafaz se hi Hajj bhi nikla. In hijrat you do not return. Ye waisa safar hai jiska koi waps, jaise koi wapsi nahi. Kyunki aapne Allah ki taraf safar shuru kar diye. Umuman hamari zindagi jo hai wo ek clockwise direction mein move karti hai. Magar circumambulation of the Kaaba is in an anti-clockwise direction. Ab humne dusri taraf jaane. Pehle to hum duniyadari mein phase hue the, uljhe hue the. Ab humne Allah ki taraf rukh karna hai to anti-clockwise direction. At Miqat, you change your clothes, put on the white sheets. You are in a state of ihram. Aapne ek kisam ke apne upar kafan bandh liya hai. Ansile hue kapde pehen liye. You are declaring your intention at Miqat. आपने अल्लाह ताला बुका है, बस मैं अब हाजिर हूँ आपकी, अब आपको बंदा बन के रहूंगा. और फिर आपने तवाफ करना है एक्सप्रेसिंग एलिजियंस एट हजरे अस्वद. और आपने हजरे अस्वद पे एक किस्म के अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं, चाहे इशारतन कर रहे हैं, अगर मौका मिला है तो हाथ रख के कर रहे हैं बैत कि मैं तेरा बंदा बन के रहूंगा. मैंने सारी जिंदगी अपनी ऐश और याशी में गुजार दी, मैंने तेरी तरफ ध्यान नहीं दिया जिस तरह के ध्यान देना चाहिए था, उस तरह की तवज्जो नहीं की. फिर मैं हज के ऊपर तो ही नहीं ये लेक्चर, मेरा तो जब मोटी मोटी चीजें आपके सामने गोश गुजार कर रहा हूँ. फिर आपने तवाफ किया, फिर उसके बाद आपने हजरे असद के बाद आपने सही और तवाफ किया, और सफा मरवा के दरमियान आपने जो सात दफा जाना और आना था वो किया. और नौवें दिन यानी नौ दिन हज को यू गो टू अरफात. और फिर अरफात से आप मशरुल हराम की तरफ रात को पहुंच गए, क्योंकि शाम जो है आपने मशरुल हराम में करनी है. और यू स्पेंड द नाइट इन द ओपन एंड कलेक्ट स्टोन्स टू पेल्ट दोज एट द थ्री सेटल्स. और रात को आपने फिर ये तैयारी करनी है कि आपने पत्थर चुनने हैं जो आपने अगले दिन जाके शैतानों को मारने, अगले तीन दिन शैतानों को मारने. तो अरफात जो है ये रिप्रेजेंट क्या करता है? अच्छा, अरफात जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को. और जो मशरुल हराम है वो नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्टिव है. और मशर यानी रात जो आपने शब्बेदारी करनी है और खुले में गुजारनी है वो आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स को जाहिर करता है, यानी आप अल्लाह से एक तल्लक जोड़ रहे हैं. और तीसरा जो है फिर वो मिना आएगा, उसकी भी बात करेंगे, जिसका मतलब प्यार और मोहब्बत और अखुवत और भाईचारा है. तो द अल्टीमेट सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स इज लव. अच्छा, अब हम बात करते हैं ये जो तीनों शैतान है जिनको पत्थर मारने. द फर्स्ट आइडल इज द आइडल ऑफ इग्नोरेंस, दिस इज द एनिमी ऑफ नॉलेज. और अरफात जो है वो हमें नॉलेज के लिए तैयार करता है, यानी हम इल्म हासिल करें, साइंटिफिक हो, फिलोसफिकल हो, दीन का इल्म हो, हर तरह का इल्म जो है वो ब्रॉड डेलाइट में हमने हासिल करना है. तो ये जिंदगी की में इल्म की तलाश है अरफात जो है. अच्छा, जो दूसरा, और हमने अब जो तीन शैतानों को पत्थर मारने हैं वो इन तीनों की जिद है, यानी इल्म की जिद जो है वो जहालत है. तो हमने जहालत को पत्थर मारने. सेकंड आइडल रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, यानी हम दुनिया में इतने खुब गए हैं, हमें आखिरत का ख्याल ही नहीं, दिल हमारे अंधे हो गए हुए एक किस्म के, हमें एहसास ही नहीं है कि आखिरत सबसे बड़ी चीज है और ये दुनिया तो सिर्फ आनी जानी है. इधर मशरुल हराम में आपको ये अवेयरनेस, ये मार्फत, ये
शऊर मिलता है जब आप रात को तन्हाई में अल्लाह से बातचीत रियाज व नियाज करते हैं। और इधर ही आपने जो है पत्थर और कंकरियां चुननी है मारने के लिए शयातीन को, क्योंकि आप अल्लाह ताला से एक किस्म का अहद कर रहे हैं कि अब मैं तेरा बंदा बन के रहूंगा, आई विल बी ए वॉरियर ऑफ लाइट एंड आई एम गोइंग टू नाउ एम्ब्रेस द विजडम ऑफ लव, और मैं तो जो अब है सिर्फ मीना में जाऊंगा जब पत्थरों मार के कंकरियां मार के शयातीन को, तो मैं तो अब बस अमन का पैगाम लेके जाऊंगा और मुसलमानों में भाईचारे का पैगाम लेके जाऊंगा, इंसानियत के लिए भाईचारे का पैगाम लेके जाऊंगा। तो ये जो तीनों शैतान है, एक फेरो को रिप्रेजेंट करता है यानी जुल्म और इस्तबदाद को रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्रिसस को रिप्रेजेंट करता है यानी इंसान जो है दुनियावी तमा और लालच में इतना उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं कि वो आखिरत को भूल जाता है, और तीसरा ये है कि हिपोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं वैलम यानी वो बंदा जो मतलब दीन के मतलब इतना सिंसियर नहीं है और गलत अकायद के पीछे चल पड़ते। तो ये तीनों शैतान जो है इनके साथ भी आपने जंग करनी है, और जंग करने के बाद यू बिकम ए वॉरियर ऑफ लाइट। मगर इधर आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने ये जो वॉरियर ऑफ लाइट बने हैं, अभी तो आपने शैतान के खिलाफ जो जिहाद किया है उसमें आप फतह याब हो गए आ गए हैं, मगर कोई पता नहीं कुछ अरसे के बाद फिर शैतान के हमले आपके ऊपर आए, तो आपने अपने आप को मुस्तैद रखना है और लोगों को बताना है कि हद के क्या फायदे हैं, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग ए वॉरियर ऑफ लाइट। और फिर ये ज़हन में रखें कि कुरान पाक में दिया गया सलामुन कौल मिन रब्बिर रहीम, ये सूरह यासीन है, वम्तज़ुल यौमा अय्युहल मुजरमून, आज कहा जाएगा मुजरमों को कि एक तरफ हो जाओ, मेरे मुखलिस बंदों से हट जाओ दूर। Did I not give you an imperative order, O children of Adam, that you worship not the devil? Surely he is your open enemy. क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था औलादे आदम बनी आदम कि शैतान की पैरवी ना करना वो तुम्हारा खुला दुश्मन है? And that you should worship me alone, that is the straight path. और ये कि तुम मेरी ही बंदगी करना क्योंकि यही सराते मुस्तकीम है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम शैतानी हमलों से बचे रहें, और शैतान के मामले में हमें चौकस और चुकन्ना रहना होगा, क्योंकि चाहे हज कर लें चाहे उमरे कर लें कुछ हमें फतह हासिल होगी, मगर फिर भी शैतान के हमले जो हैं वो किसी वक्त भी आ सकते हैं, और हमें जो है उसके हमलों को नाकाम बनाना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम वॉरियर्स ऑफ लाइट बने। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।